हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुलशन पुनिया और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर कैन और कुड का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैन और कुड का यूज कैसे होता है। तो पहला जो यूज है कैन और कुड का, वो होता है अपनी एबिलिटी बताने के लिए, अपनी कैपेसिटी बताने के लिए और अपनी पावर या स्ट्रेंथ बताने के लिए। जब हमें वर्तमान काल में अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर या स्ट्रेंथ बतानी हो तो हम कैन का यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में बताना हो तो कुड का यूज करते हैं। तो देखिए वर्तमान काल में किस तरीके से कैन का यूज किया जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारापूर्वक अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। सी कैन ड्राइव ए कार, ये उसकी एबिलिटी है कार ड्राइव करने की। ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है, उसके अंदर पावर है। आई कैन बाई दिस कार, और ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं इतना रिच हूं कि मैं इस कार को खरीद सकता हूं। ये तो वर्तमान काल में आपने बताया कैन की सहायता से। यदि आपको यही पास्ट टेंस के अंदर बोलना हो इसी प्रकार के सेंटेंस, तो आप कुड का यूज करें कैन की बजाय। कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस होता है। तो किस तरीके से पास्ट टेंस में यूज होता है, देखिए। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था। सी कुड बाई दिस कार वेन सी वाज रिच, जब वो अमीर थी तो वो इस कार को खरीद सकती थी, उसकी पास्ट कैपेसिटी है ये। आई कुड रन फास्ट इन माई यूथ, मैं अपनी जवानी में तेज दौड़ सकता था। तो इस प्रकार से आप कुड का प्रयोग करके पास्ट टेंस में अपनी योग्यता है वो बता सकते हो, अपनी कैपेसिटी बता सकते हो। दूसरा जो यूज होता है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है कुड का, और किस तरीके से होता है उसकी एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल है द ट्रेन कुड बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। इसमें हमने प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताई है कि ट्रेन की संभावना है लेट होने की। दूसरा, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे, यू कुड लूज द रेस, तो तुम रेस हार सकते हो। इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी है रेस हारने की। तीसरा है सी कुड हैव पास द एग्जाम्स, वह एग्जाम पास कर सकती थी इफ सी हैड वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करती तो। इसके अंदर पास्ट पॉसिबिलिटी है, उसके एग्जाम पास करने की संभावना थी भूतकाल के अंदर, लेकिन उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो पास नहीं हो सकी। लेकिन आपको पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी बतानी हो, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन का यूज करें इस तरीके से। आई थिंक योर कार कैन बी रिपेयर्ड, दिस होटल कैन बी एक्सपेंसिव। इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर जनरल पॉसिबिलिटी हमने बताई है और हमने कुड की बजाय कैन का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।